नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अटल भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मणिपुर से रुक रुक कर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा हिंसा बिष्णुपुर जिले में हुई है। गुरुवार को कांगवई और फुगाकचाओ इलाके में हिंसा भड़की है। बताया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हालत पर काबू करने के लिए सेना और RAAF के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान 17 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। उधर जिला प्रशासन ने इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम से कर्फ्यू में ढील को वापस ले लिया है। एहतियात के तौर पर पूरे इम्फाल घाटी में रात के कर्फ्यू के अलावा दिन के दौरान भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दलों का सांसद में हंगामा जारी है। गुरुवार को भी विपक्षी दलों ने सांसद में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। हंगामे के चलते सांसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस, दे आर ट्राइंग टू मिसयूज द लिबर्टी गिवन टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स एंड दिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर मेंटालिटी। व्हेन द गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस मणिपुर, व्हेन द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी एक्सीडेड टू द सेंस ऑफ द हाउस दैट देयर शुड बी अ डिस्कशन ऑन मणिपुर, दे हैव ऑलरेडी स्पॉइल्ड सर 9 days, 9 important days ऑफ द हाउस, 9 days. The country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? Inke daadi mein kuch kala hai, koi na koi takleef hai, jisse ye bhaag rahe hain. Inko koi na koi takleef hai, ke Manipur ki sachchai saamne laane nahi de rahe. मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। ऐसी और तमाम खबरों के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज।